हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको एक पंजाबी लुक दिखाने जा रही हूँ जो मैंने कल शूट किया है अपने पार्लर पे। और मेरी मॉडल है तृप्ति, मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं ब्यूटिशियन हूँ। तो मेरे क्लासेस चलते रहते हैं, तो क्लासेस में मैंने कल एक पंजाबी लुक पूरा क्रिएट किया है आपके लिए। ओके, तो आज मैं उसका वीडियो क्लिपिंग्स आप लोग के लिए ऐड कर रही हूँ इस वीडियो के साथ। और तो आप देख के मुझे बताइएगा कि पंजाबी लुक कैसे कैसा लगा आपको, क्योंकि मैंने आज तक सारे लुक क्रिएट किए हैं, जैसे मारवाड़ी लुक और राजस्थानी लुक और बंगाली लुक और महाराष्ट्रियन लुक, गुजराती लुक, ये सारे लुक हो गए थे। एक पंजाबी लुक और एक मुस्लिम लुक, दो लुक बाकी थे, तो पंजाबी लुक मैंने क्रिएट कर लिया है। और तृप्ति पे मैंने करके बताया है सारा मेकअप और बाल कैसे बनाते हैं पंजाबी लोग, दुपट्टा कैसे पिनअप करते हैं वो सब। तो चलिए गाइज, आप पार्लर पे चलिए मेरे साथ और वो वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कीजिएगा। और मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है ज्योत्सना जायसवाल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइज, मेरे मेरे चैनल पे आपको हेयर स्टाइल मिलेगी, मेकअप मिलेगा, सारी स्टाइल मिलेगी और व्लॉग्स भी मिलेंगे, कुकिंग भी मिलेगा, सब कुछ नया नया मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ जुड़ने की, तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और कमेंट्स करते रहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो, पर अच्छे वाले कमेंट्स, बुरे वाले नहीं। ओके, तो चलिए चलते पार्लर पे और वीडियो एंजॉय करते हैं। ओके, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना, वो भी कुछ नया सीखेंगे। ओके, इसमें मैंने आई मेकअप बहुत अच्छे से बताया है, तो चलिए वीडियो देखते। ओके, तो गाइज अभी हम स्टार्ट करेंगे पंजाबी मेकअप लुक। तो उसके लिए मेकअप जमा दिया है, ये बाल से हम छोटी बनाएंगे क्योंकि आजकल सबके बाल छोटे रहते हैं और पंजाबी लुक के लिए लॉन्ग परांदा लगाते हैं, पर अब परांदा नहीं है तो मैं आपको उल्टी चोटी बना के बताऊंगी। पंजाबी लोग उल्टी चोटी भी बनाते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह क्लिंजिंग मिल्क से फेस को पूरी तरह से अच्छे से साफ कर लेंगे, बर्फ का मसाज करेंगे, फेस वॉश कर लेंगे। ये तीन तो बेसिक है, आप स्किन टॉनिक भी लगा सकते हो ताकि स्किन थोड़ी सी ग्लो होने लगे। और ये है मेरी स्टूडेंट तृप्ति, पर उसने ब्लीच नहीं किया है। मेकअप करने से पहले ब्लीच करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, बर्फ का मसाज करने के बाद, ड्राई होने के बाद हम ये फाउंडेशन लगाएंगे, पर आज हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं लगाएंगे, आज हम लोग ब्रश से लगाएंगे। और ब्रश से पूरा जल्दी से स्प्रेड कर देने का ताकि ये सूख ना जाए। देखिए गाइस, ना लिप्स सार्केस्ट है। हम फाउंडेशन की एक लेयर लिप्स पे भी कर देंगे अच्छे से। और जो नया है उनको बता देती हूँ, ईयर्स, हाथ, उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे हम, उस पर भी पूरा फाउंडेशन जो भी मेकअप स्टार्ट करेंगे उस पर भी करेंगे। और गाइस, जितना आप स्पीड में फाउंडेशन लगाते हो उतना ही स्पीड में आपने ब्रश को घुमाना है फटाफट। मुझे ऐसे लगता है कि ब्रश की मदद से अच्छे से हम स्प्रेड कर सकते हैं जितना ब्यूटी ब्लेंडर से, वो भी अच्छा ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे ब्रश ज़्यादा पसंद है। गाइज, अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड है। तो सब कॉर्नर्स भी फिल कर दो जरा अच्छे से, लिप्स के कॉर्नर।
गाइज़, आपने मेकअप तो मेरे सब वीडियो में बहुत देखे हैं, आज मैं थोड़ा सा फटाफट बताऊंगी ताकि हेयर स्टाइल वगैरह अच्छे से कर पाऊँ मैं। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर स्प्रे नहीं है तो आपने कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करना है, और फाउंडेशन का ही जो ऑयली लुक आता है वो अच्छा आता है, तो इसे एज इट इज़ रहने देना है। इसके ऊपर हाइलाइटर वगैरह लगा के शाइनिंग कर लेनी है। तो गाइज़, हम इस तरह से आईब्रो को फिल करेंगे पहले, और पंजाबी लोगों की आईब्रोज़ घनी रहती है तो उस तरह से हम थोड़ा आईब्रोज़ को ज़्यादा डिफाइन करेंगे अच्छे से एकदम। गाइस, हमें आंखों को थोड़ा सा बड़ा बताना है इसलिए हम क्रीज लाइन को ज़्यादा डाउन की ओर खींच लेंगे। ओके, सिल्वर पेंसिल बड़े बंद कर। हाफ आइज को हम गोल्डन आई शेडो से फिल करेंगे, क्योंकि इसका ड्रेस में गोल्डन है तो हम उसको गोल्डन लुक देंगे वहाँ पे, और हाफ हम ब्लैक से करेंगे, पर ब्लैक वाला कलर हम शिमरी वाला लेंगे। और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है गाइस। तो गाइस देखिए, इस तरह से ये ठीक है, ये हमारा मेकअप आंखों का कंप्लीट हुआ। हम एक क्रीज लाइन बनाएंगे। आईलाइनर लगा लेंगे और क्रीज लाइन को हम अच्छा लॉन्ग में खींचेंगे।
तो गाइस इस तरह से आँख का मेकअप कंप्लीट कर दिया है मैंने। कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा मुझे। गाइस सारा सब मेकअप का ये है ना, पूरा आईलाइनर अरे आई मेकअप पे ही डिपेंड रहता है। जितना आई मेकअप आप अच्छे से करोगे ना उतना आपका अच्छा होगा। तो गाइस ब्लशर लगा लेते हैं साइड। तो गाइस अब हाइलाइटर लगा लेते हैं और लिपस्टिक लगा लेते हैं। ड्राई हो गए हैं, थोड़ा सा प्राइमर लगा लेंगे लिप्स पे और उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं। एक ब्रश क्या ब्रश से फिर ब्रश से करना फिर नहीं तो खराब हो जाएगा। बंदा ठेव लिप्स जरा आउटलाइन के हो दे। हाँ ऊपर के लिप्स को भी लगाओ। ले ले लिपस्टिक लो फिर। गाइस हम पंजाबी लोग या तो उल्टी चोटी बनाएंगे या परांदा लगाएंगे, तो हम उल्टी चोटी बना रहे हैं इस तरह से। उल्टा चोटी बनेगा और निकालो। बाल इसमें लगाएंगे ताकि छोटी घनी और मोटी लगे। इस पंजाबी की चोटी जितनी लंबी हो ना उतना अच्छा दिखता है। और एक सीक्रेट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मैं जब कॉलेज में थी ना तो मेरे बाल, अब बाल लंबे तो अभी भी हैं लेकिन तब बहुत घने और बहुत लंबे थे, तो ऑलवेज मैं चूड़ीदार पहनती थी और इसी तरह से लॉन्ग चोटी उल्टी चोटी बनाती थी। और मेरी मम्मी बहुत अच्छे से उल्टी चोटी बना के देती थी मुझे, मेरी चोटी ना पूरा उसमें फेमस थी। पिंस चाहिए। गाइस पंजाबी
लुक क्रिएट कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से उनका दुपट्टा स्पेशली इस तरह से होता है। गाइस तो ये इस तरह से पंजाबी दुपट्टा स्टाइल हो गया है। बताइए लग रही है ना पंजाबी पंजाब दी कुड़ी। तो गाइस आपको दुपट्टा लगाने का स्टाइल समझा क्या ना, ठीक है। इस तरह से आप लुक क्रिएट कर सकते हो। वन साइड पिनअप करना है इस तरह से, वन साइड का ऐसे ओपन रखना है। तशीस रहा तो गाइज, अगर आपको ये मेरा क्रिएट किया हुआ लुक अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कीजिएगा। किन्नर पण नाही ती पंजाबी लोक असे असे करतात ना, करणार असं असं फिरव, ह्याला फिरू हा तो गाइज अब इसके आगे आपको कौन सा लुक चाहिए मुझे ज़रूर से बताना। मैंने सारे लुक क्रिएट करके बता दिए, मारवाड़ी लुक है और नववारी महाराष्ट्रीयन लुक, गुजराती लुक, सारे लुक क्रिएट किए, पंजाबी लुक। अब आपको आपकी कोई फरमाइश हो तो आप ज़रूर से मुझे बताना। तो गाइज ये है मेरी टीम पूरी, क्लास के स्टूडेंट, दो स्टूडेंट चले गए